हेलो नमस्ते, मैं शुभांगी इस चैट चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सिलने वाले हैं 6 साल की लड़की के लिए राजलक्ष्मी साड़ी। इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है, 5.5 मीटर की साड़ी है, जो कि हम डेली यूज़ में जो पहनते हैं उतनी ही साड़ी ली है, और 1.5 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर ऐसे रखना है, बंद साइड अपने साइड लेनी है, जो हमारा बंद भाग है अस्तर का वो अपने साइड लेना है। ऐसे मैंने 4 फोल्ड में इसे रखा है। अब हम इसकी कमर से पैर तक की लंबाई देखेंगे। हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है 30 इंच। 30 इंच पे मैंने अस्तर कट किया है। हम यहाँ अस्तर पर मार्जिंग नहीं लेते, बहुत बार कमेंट आती है, तो हम इसलिए मार्जिंग नहीं लेते कि 2 इंच का हमारा जो कमर बेल्ट होता है वो हम इसमें पकड़ते नहीं हैं, तो मार्जिंग बन जाती है। आपका भी कोई नौवारी संबंधित सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पर अगर रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना कि वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। वैसे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल को भी दबा देना। उससे क्या होता है, हम जब भी चैनल पर नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज का वीडियो कमर की ओर से हम लेंगे बैठक भाग। बैठक भाग लेना है हमें सीट घेर का 3रा हिस्सा और निशान लगाना है। इसी निशान पर हम सीट घेर लेंगे। सीट घेर का 3रा हिस्सा प्लस 1 यानी 10 इंच हम यहाँ लेंगे। उसी लाइन पर हम 2 इंच पीछे निशान लगाएंगे। उस निशान को हम कमर की ओर जोड़ देंगे। यहाँ हम गोलाई देंगे। पैर के साइड से हम बॉटम लेंगे 6.5 इंच पर और निशान लगाएंगे। उसी निशान को यहाँ जोड़ देंगे। अब हम अस्तर कट करेंगे। अब ये हमें 2 पैरों के लिए 2 पैटर्न बन गए हैं। ये खोलने के बाद इस तरह दिखेंगे। अब हमने साड़ी ली है। साड़ी का जो पहनने वाली साइड होती है, नॉट पल्लू साइड, वहाँ हमने ये अस्तर रख दिए हैं। जैसे अस्तर है वैसे ही हमें इसे कट करना है। सिर्फ कमर की ओर से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है साड़ी का कपड़ा। जैसे अस्तर है वैसे ही हम साड़ी कट करेंगे। सिर्फ कमर की ओर से हमने साड़ी 5 इंच एक्स्ट्रा ली है, बाकी जैसा अस्तर है वैसे ही हमने 2 पैटर्न बनाए हैं। हम इस पैटर्न की सिलाई देखेंगे। ये साड़ी का कपड़ा जो हमने ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लिया है उससे हम सिलाई करेंगे। पहले हम साड़ी का कपड़ा इसे रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे, नीचे बॉटम की साइड हम सिलाई करेंगे और ऊपर इस तरह। ये देखो, बॉटम की साइड हमने सिलाई करनी है। हम दोनों पैटर्न के बॉटम सिलाई करेंगे। ये हमारे दोनों पैटर्न सिलाई बॉटम सिलाई हो गए हैं। पैर के बॉटम हैं तो दोनों सिलाई कर दिए हैं। अब हम ऊपर की साइड सिलाई करेंगे।
तो हम यहाँ देखो हमारा साड़ी का कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे हम ऐसे रखेंगे। और जो साड़ी का कपड़ा है उससे हम यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे। प्लेट कमर की ओर मुड़नी चाहिए, ऐसे हम प्लेट लेंगे छोटी छोटी, 3 या 4 प्लेट्स लेंगे हम। दूसरी साइड भी हमें ऐसी ही सिलाई करनी है। इस साइड भी हम कमर की ओर मुड़ती हुई 3 4 प्लेट्स लेंगे। जितनी भी दूसरे साइड में प्लेट्स ली है उतनी ही हम इस साइड भी लेंगे। और ऐसे ही दूसरा पैटर्न भी ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखो हम यहाँ भी सिलाई करेंगे, पूरे पैटर्न के साइड सिलाई करेंगे। यहाँ ऊपर कमर की ओर से भी हमने सिलाई की है, यहाँ भी सिलाई किया है, पूरा पैटर्न हमने सिलाई कर दिया है। वैसे ही दोनों पैटर्न हमने सिलाई कर दिए हैं। अब हम पल्लू लेंगे, कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उसका डबल हमें पल्लू लेना है, यानी 30 प्लस 30 60 पे हमने पल्लू लेकर निशान लगाया है। यहाँ लंबाई के डबल लेकर हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अब हम सिर्फ पैर की ओर से हम जो भी साड़ी पे सिलाएंगे तो पैर की ओर से हम एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ मैंने 14 इंच एक्स्ट्रा लिया है पैर की ओर से, और ऐसी तिरछी लाइन लगाकर वहाँ साड़ी कट कर दी है। यह हमारा पल्लू है और यहाँ तिरछी लाइन जो हमने कट की है साड़ी, वहाँ हम पल्लू के लिए ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे। ये प्लेट भी कमर की ओर मुड़नी चाहिए, ऐसे ही प्लेट्स लेंगे हम। ये हमारा पल्लू रेडी है, ये हमारा पल्लू सिलाई हो गया है। अब हम काष्टे के लिए साड़ी लेंगे। जितनी हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है उतनी +4 इंच यानी 34 इंच पर हमने निशान लगाया है, लाइन ड्रॉ करके साड़ी कट कर दी है। ये हमारे दो काष्टे बन जाएंगे, इससे बराबर हमने कट किया है इसको। दो साइड के दो जो हमारी बॉर्डर है वो हमारे दो काष्टे होंगे। पीछे वाले काष्टे ये बने हैं इस तरह। ये बॉर्डर से छोटी छोटी प्लेट्स ली है हमने और दो ये काष्टे हमारे तैयार हो गए। अब जो हमारी साड़ी बची है उससे हमें सामने वाला घेर यानी राजलक्ष्मी घेर बनाना है। तो हमारी जितनी भी लंबाई है इस साइड हम लंबाई लेंगे और निशान लगाया है। दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड हम यहाँ लेंगे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जहाँ हमने 30 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमने यह ऐसी साड़ी तिरछी कट की है। अब हमारी ऊपर वाली साड़ी हम इस 13 इंच के आगे लगाकर यहाँ सिलाई कर देंगे और ऐसे फिर से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके साड़ी कट करेंगे।
ये जो हमने 13 इंच लिया है, यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ 13 से हम आगे लेंगे 4 इंच, 4 इंच पर हम साड़ी कट करेंगे। अब हम यहाँ से सामने का घेरा बनाना शुरू करेंगे। ऊपर की ओर हमें एक के ऊपर एक ऐसी सीधी साड़ी रखनी है। ऊपर की प्लेट बिल्कुल एक के ऊपर एक आनी चाहिए और नीचे से ये हमारा झिकझैक घेर बन रहा है। और सामने की ओर से हमें प्लेट्स में आधा इंच छोड़ना है और आगे की साइड हमें आधा इंच आगे लेना होता है। आज की ये राजलक्ष्मी साड़ी हमने कट की है। इसका सिलाई का वीडियो भी आप ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल को भी प्रेस करना। उससे क्या होगा, चैनल पर जो भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना है। आपने ये पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।